अकाल भाइयों बहनों देवी सज्जनों, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कम ऑन मेक सम नॉइज इफ यू गाइस कैन हियर मी। कम ऑन, आग क्लास में आए ना तो आग लगाना भूल तो नहीं जाओगे ना भाई? तो आग लगा दो बेटा, जल्दी से बता दो क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है या नहीं। नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल है? केप जो मजा मा, क्या खम्मी का खम्मा गणी भाई। हाँ, सभी लैंग्वेज का आता है अपने को, जितना आता है उतना बोलता है अपन। हेलो मोहिनी, ऋतिक, चंचल, भास्कर, कृष, केशव, अंशु, चंचल, स्नेहा, तृप्ति, आकाश, शिवानी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। कैसे सभी लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो गाइज, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जय जिनेंद्र, अरे जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, तृप्ति जैन, सुप्रभात सुप्रभात, अपने अपने लैंग्वेज में बोलो भाई। गुड मॉर्निंग बोलो, हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बोलो, मैं सीखना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे। अबे आज भी है कल है, एक्साइट मत कर मेरे को। कल मैं एक भी क्लास नहीं रहा, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं मेरे से क्लास एक्सपेक्ट नहीं करना, टाइम पास करना है तो मेरे को बोलो। मैं मेरा कल बर्थडे है, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ भाई। भाई का बर्थडे, अपन भाई का बर्थडे है तो भाई क्लास नहीं लेगा। भाई क्या करेगा? पार्टी करेगा। पार्टी करने के साथ साथ तुम लोग मस्ती करने बोलोगे तो मैं आएगा, लेकिन मैं क्लास लेने आएगा नहीं। शुभो सोकाल, अरे शुभो सोकाल सर, शुभो सोकाल, राम राम, नया सीखा मैंने, नमोस्कार नमोस्कार, देख रहे हो क्या आ रहा है मेरे को धीरे धीरे। ओके तो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और आग बैच में। बहुत होगी मस्ती। अब आप वक्त है थोड़े से आग क्वेश्चंस को झेलने का, बट ट्रस्ट मी, आज बिकॉज मुझे आज कसम से लगता है कि आज आप एक भी जवाब गलत नहीं देंगे। हाँ, दो मिनट ऊपर नीचे लेट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज आप सारे सवाल सही जवाब देंगे, ये मुझे लगता है। तो अगर आप 50 लाइक ठोक देते हो तो मैं शुरुआत कर दूं क्लास की। ये अब क्या बेसिक थ्रेशोल्ड ही अपना उतना हो गया है? अच्छा देखो, कल सुबह अपन ने क्लास लिया था पार्ट 1, क्या लगता है कितने लाइक्स हो गए होंगे उसके? नहीं, टारगेट दिया था हमने, हमने क्लास में ऑलमोस्ट 260 के कुछ करीब या 300 कुछ हमने कर लिया था ना, कितना गया था? 316 शायद। मैंने आपको एक हफ्ते का 500 का टारगेट दिया था भाई। अभी मैं देख रहा था, ये देखो ऑलरेडी 586 लाइक्स हो चुके हैं। भाई बेटी, अरे अपना अब एक्सपेक्टेशन, मिनिमम एक्सपेक्टेशन ही बढ़ चुका है भाई। 586 लाइक्स तो हो भी चुके हैं उसके। तो अब अपना अपने को स्टार्ट ही 50 से करना पड़ेगा ना भाई, अपने को अपनी को बढ़ानी पड़ेगी ना थोड़ी सी, ऐसे ऐसे हैसियत रे। चलो धीरे, मजाक कर रहा हूँ, चलो चलते हैं। 65 लाइक्स हो चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल भाइयों बहनों देवी सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आग राइडिंग प्रैक्टिस क्लास में। मेरा नाम है सियादत जोशी और मैं आपको पढ़ाता हूँ पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग एंड सीए फाउंडेशन लेवल। साथ ही साथ मैं आपको सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाता हूँ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड चैनल में आप अगर प्लस स्टूडेंट है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। गूगल ड्राइव फोल्डर हमने प्लस स्टूडेंट के साथ शेयर किया है और पूरे बाहुबली परिवार की तरफ से आपका इस क्लास में है जोरदार स्वागत। प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय कंटेंट ऑन एजेस ट्रैकर एंड ऑल्सो अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में एंड ऑफ द क्लास बात करेंगे। आग राइटिंग प्रैक्टिस चैलेंज शुरू करते हैं। पहला सवाल जो कि बहुत सिंपल है और मुझे पूरी गारंटी है आप आराम से जवाब दे देंगे, बस शांति से पढ़ना, ठीक है? रेडी, मेक सम नॉइज, कम ऑन, आर यू रेडी? 3 2 1 लेट्स गो। ओके, अंबिके एंटरप्राइजेस इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ग्रेन्स। सुभाष प्रोविजंस इज परचेजिंग व्हीट, राइस, जवार, बाजरा एंड मेनी मोर गुड्स फ्रॉम अंबिके एंटरप्राइजेस फॉर 10 ईयर्स। मिस्टर सुभाष, द ओनर ऑफ सुभाष प्रोविजन, visited Ambike Enterprises to sample and purchase 5,000 kg of wheat and rice. The same was delivered within a week and the payment was pending. Mr. Keshav
परचेज 500 केजी ऑफ वीट फ्रॉम सुभाष एंटरप्राइजेस बाय सुभाष, आई थिंक प्रोविजंस होना चाहिए ना, सुभाष प्रोविजंस। तो थोड़ा ठीक है रे, एकदम घर पे बना रहे तो थोड़ा सा होता है यार, सुभाष प्रोविजंस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सुभाष प्रोविजंस बाय सैंपल। हाउएवर ही फाउंड आउट दैट द बल्क डिलीवर्ड वॉज फुल ऑफ वीविल्स। अब वीविल्स क्या होते हैं, इन्हें फ्लोर बग कहा जाता है। आपने देखा होगा ब्लैक कलर के छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं जो आटे में लग जाते हैं या गेहूं में चावल में लग जाते हैं, एकदम छोटे छोटे, नहीं इल्ली नहीं रहती, एकदम छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं, एकदम ऐसे भागते रहते हैं जब आप देखेंगे, उसे कहा जाता है विविल्स, यानी कि फ्लोर बग्स, कीड़े हैं। नाउ मिस्टर केशव वॉन्ट्स टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो मिस्टर सुभाष ऑन इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट द एंटायर स्टॉक ऑफ राइस वॉज हैविली इन्फेक्टेड बाई विविल्स। नाउ मिस्टर सुभाष ऑल्सो वॉन्ट्स टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट विथ एमबीके एंटरप्राइजेस, एनालाइज द अबाउट सिचुएशन एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड डिटरमाइन कैन मिस्टर केशव कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ यस अकॉर्डिंग टू विच प्रोविजन, कैन मिस्टर सुभाष कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ यस अकॉर्डिंग टू विच पोजिशन प्रोविजन एंड वॉट रेमिडीज आर अवेलेबल विथ मिस्टर सुभाष। चिल्टू है हाँ मैंने कहा ना आज आप सॉल्व कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन द थिंग इज कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एकदम सुपर डिफिकल्ट तो नहीं आएंगे ना, इस टाइप के आ सकते हैं, देखते हैं। मैं अच्छा लक्ष्मी आप कैसे हो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहला क्या केशव कैंसल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय सैंपल आप कह रहे हो, अच्छे ठीक है, सेल बाय सैंपल। तो सैंपल के अंदर 3 पॉइंट्स है। नहीं बेटा तृप्ति आप समझे नहीं, गुड्स आर मैचिंग द सैंपल, आपने जो क्वालिटी का राइस मेरे यहाँ देखा मैं वही राइस आपको भेज रहा हूं, तो सैंपल का प्रॉब्लम नहीं है, गुड्स आर मैचिंग विद द सैंपल। आप थोड़ा सा और देखिए ध्यान से। हाँ अब महेश ने सही बात बोली है, लेकिन मानसी थोड़ा सा और सोचिए, मर्चेंटेबिलिटी सही है लेकिन समझना है हमको। देख, वेन एवर वी परचेज गुड्स बाय सैंपल देर आर 3 कंडीशंस दैट नीड्स टू बी फुलफिल। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन एज टू सैंपल कहता है दैट वेन एवर द गुड्स आर परचेज बाय सैंपल द बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल। क्या यहाँ पे बल्क और सैंपल करस्पॉन्ड कर रहे थे, केशव ने जो राइस देखा वही राइस सुभाष ने डिलीवर किया, वो पंगा नहीं था। क्या आपने केशव को हैव यू गिवन बायर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क एंड द सैंपल इफ ही हैज नॉट ऑलरेडी कंपेयर्ड, यस आपने उसको चेक करने भी दिया तभी तो उसको विविल्स दिखे। द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन सेल बाय सैंपल इज दैट द गुड्स शुड बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। हाँ मैं मानता हूं कि राइस मैच करता है, हाँ मैं मानता हूं जो भी है राइस है वीट है वो इट डज नॉट मैटर वॉट एवर यू हैव परचेस। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो मैच करता है इन सैंपल, बट वॉट इज द प्रॉब्लम हियर, द प्रॉब्लम इज दैट द एंटायर प्रोडक्ट द एंटायर कमोडिटी द एंटायर गुड आर नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी बिकॉज उसमें पूरे के पूरे कीड़े लगे हुए हैं एंड नो वन इन हिज राइट माइंड इज गोइंग टू परचेज द सेम। बेटा होलसमनेस की बात भी नहीं आएगी, होलसमनेस की बात भी नहीं आएगी, हिडन डिफेक्ट की बात भी नहीं आएगी क्रिश, आपके सामने ही है। देखो इतने सारे लॉ अगर आप लगाओगे तो आपका आंसर बहुत एम्बिगुअस हो जाएगा, यहाँ पे जब एक क्लियर प्रोसेस अवेलेबल है कि सैंपल में मर्चेंटेबिलिटी की बात कही है तो आप इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा सवाल, क्या सुभाष अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं विथ एमबीके एंटरप्राइजेस, अब ये इंपॉर्टेंट है। बेटा राइस में जितने गुण होने चाहिए वो है, ठीक है, तो इसीलिए मैं होलसमनेस इसमें नहीं लगा, मर्चेंटेबिलिटी लगा। हाँ तो लक्ष्मी वही तो है ना, आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड विच प्रोविजन अप्लाइज टू दिस केस मोस्ट पेक्यूलियरली।
अब जब क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं सैंपल से परचेस करके लाया हूँ, आप दूसरे लॉज में जा क्यों रहे हो जब सैंपल के अंदर मर्चेंटेबिलिटी की बात कही है ऑलरेडी? ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कैन सुभाष कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट? सुभाष क्यों? बिकॉज ऑन इन्वेस्टिगेशन ही फाउंड दैट एंटायर स्टॉक ऑफ राइस वॉज हैविली इन्फेक्टेड बाय वीविल्स। पलक कह रही है ऑलरेडी सोल्ड द गुड, सुभाष भोजन को पहले ही करना था कैंसल तो हो जाता। दैट्स अ वेरी गुड आंसर मानसी। मानसी कह रही है दैट मिस्टर सुभाष हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड द गुड्स, करेक्ट। वो मिस्टर मतलब वो अंबिके एंटरप्राइजेस से गुड्स परचेस करके लाए, ठीक है। उन्होंने इमीडिएटली क्या करना चाहिए था? उन्होंने इमीडिएटली चेक करना चाहिए था और विविल्स उनको दिख जाते तो उन्होंने रिजेक्ट करना चाहिए था। व्हाट इंस्टेड ही डिड, ही एक्सेप्टेड, ही डिड नॉट बॉदर टू चेक। मतलब यहां पर सुभाष एंटरप्राइजेस की गलती, सुभाष प्रोविजंस की गलती है। यू शुड हैव चेक्ड द गुड्स। अब आपने चेक नहीं किया एंड लेटर ऑन यू वॉन्ट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट विल नॉट। क्या हुआ निशांत सर का, क्या हुआ? क्या हुआ निशांत सर को, क्या हुआ? एक सेकेंड लाइव है क्या निशांत सर? बेटा वो क्लास में फोन उठाएंगे क्या थोड़ी ना पता। मैं बोल रहा हूं उनको वो करवा देंगे ऑडियो ठीक है, तो फिर क्लास मतलब फिर से वो ले लेंगे क्लास अगर आवाज़ का इशू हो रहा हो तो। अभी वो क्लास में है तो शायद मुझे नहीं लगता वो उठाएंगे कॉल, बट लेट्स सी। उनका ध्यान ही नहीं होगा ना फ़ोन पे, नहीं तो चैट्स नहीं पढ़ते क्या ना? उनका ध्यान नहीं है क्लास फ़ोन पे, आवाज़ नहीं आ रही है राइट। बट सॉरी आई ट्राइड कॉलिंग हिम, मैं फिर से कॉल लगा ही रहा हूँ। इफ ही पिक्स अप आई विल लेट यू नो, बट आई डाउट बिकॉज ही इज टीचिंग सो ही मे बी ही विल नॉट। ठीक है चलो, सो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, ये निशांत सर वापस से ये क्लास ले लेंगे या तो आपको कुछ ना कुछ निशांत सर बता देंगे, ठीक है। सो नथिंग टू वरी अबाउट कि कैसे होने वाला। चलो आगे चलते हैं, है ना। Now the next question is what are the remedies available with Subhash? क्या आप कुछ remedies use कर सकते हो? ये important question. What are the remedies available? ठीक है, what are the remedies available with Subhash? Sir, Subhash ने अभी तक payment नहीं किया, the goods delivered to him are not of good quality. So you can reduce at the time of payment, आप उसमें से थोड़ा सा पैसा काट सकते हो। Yes, damages claim तो आप कर सकते हो because goods आपको merchantable quality के damages claim. सेल बाय सैंपल, सबसे पहले उन्होंने, मैंने आपको क्या बताया, सेल बाय सैंपल में तीन चीजें। आंसर लिखते वक्त मैं आपको आंसर के हिंट्स लेकर आया हूँ आज, बिकॉज अगर हम सारे आंसर लिखेंगे तो हमारा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं तो जल्दी चलो अब थोड़ा फास्ट करते हैं। तो मैंने कहा ये तीन चीजें आपको लिखना है, क्वालिटी मैच करनी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ दो, और सेकेंड एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मर्चेंटेबिलिटी, ठीक है।
अब एक बात बताओ, अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है एंड बायर हैज ऑलरेडी एक्सेप्ट द गुड्स, ठीक है, और उसके बाद उसको पता चलता है कि कुछ कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हुई थी, तो दिस ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड हेंस, जैसे कि हमने कहा, देयर इज नो ग्राउंड ऑन रिजेक्टिंग, आप ओनली एंड ओनली क्या क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, यू कैन नॉट रिपीटेड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सेकेंड का आंसर हो गया। रही बात वॉट आर द रेमेडीज अवेलेबल, तो आप डैमेजेस ले सकते हो, डैमेजेस कौन से रहेंगे हमने कॉन्ट्रैक्ट है। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 100 लाइक्स हो चुके हैं, तो 100 लाइक्स पे मैं सेकंड क्वेश्चन लगाने वाला था, तो मैंने अब आपको सेकंड क्वेश्चन लगाता हूं। एवरी क्वेश्चन वी विल नीड 50 लाइक्स मोर, ठीक है, चलो 50 से 100 हो गया ना, 100 से 150 रहेगा तभी थर्ड क्वेश्चन आएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये रहा, शांति से इसको देखेंगे, ठीक है, एकदम शांति से। मिस्टर दीपक एंड मिस्टर मंदार आर ब्रदर्स and were a part of long drawn litigations filed against each other with respect to a property owned by their father. Mr. Deepak was financially weak as compared to Mr. Mandar and hence was finding it difficult to fight the case. Mr. Bhavesh, a friend of Mr. Deepak, proposed to help him in fighting the case. It was agreed between the parties that Mr. Bhavesh will take care of the finance required to fight such case and in return Mr. Deepak will pay back the entire money along with the interest of 10% when he wins the case. Later, Mr. Deepak won the case. Sir, बस आपको बताने के लिए फोन करा था कि आपका आवाज नहीं आ रहा है. Sorry, ठीक है, मैं भी क्लास में करता हूँ आपको कॉल. Okay. So, Mr. Bhavesh, a friend of Deepak, proposed to help in fighting the case. It was agreed between the parties that Mr. Bhavesh will take care of finance requiring to fight such case and in return Mr. Deepak will pay back the entire money along with interest at the rate of 10% when he wins the case. Later, Mr. Deepak won the case but refused to pay an interest of 10% per annum to Mr. Bhavesh. Analyze the above situation as per the Indian Contract Act and determine what measures can be taken by Mr. Bhavesh. Would your answer change if Mr. Bhavesh would have asked for 50% property instead of interest? Champerty maintenance. ये हुई ना बात, देखो ये है real students की पहचान, जो question के साथ साथ concept पकड़ ले कि भाई ये इस concept पे पूछा है और ये इसका answer होना चाहिए। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर इसको आप क्या कहेंगे? What measures can be taken by Mr. Bhavesh? Is this a valid contract? First of all, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम सेक्शन 23 में आ गए, legality of object and consideration. उसमें हम लोग आ गए agreement opposed to public policy. उसके अंदर हम आएंगे champerty and maintenance. तो champerty and maintenance में क्या होता है? When you try to file a suit or maintain a case against the party with a malicious motive or with the intention to earn something. तो यहाँ पे malicious motive है तो हम maintenance कहते हैं और earn something है तो champerty कहते हैं, right? But, at the end of this concept, there are certain exception. जो कहते हैं, very good, Prince ने exact answer दिया कि first valid है, second void है. Exceptions कहते हैं that maintenance and champerty will be termed valid unless they are done with malicious motive or to hurt someone or with the intention to earn something out of the same, earn something unreasonable out of it. अब यहाँ पर आप focus करेंगे, yes, I understand कि दीपक ने यहाँ पर case में उसका कोई interest नहीं था, ठीक है, तो भावेश ने अपने दोस्त दीपक की मदद करने के लिए एक्चुअली यहां पर चैम्पटी की है, मगर नॉट विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अनरीजनेबल अमाउंट। अगर भावेश के जगह दीपक अगर किसी बैंक से भी लोन लेता तो उसको 10% से ज्यादा ही पे करना पड़ता, वो तो दोस्ती के नाते उसने सिर्फ 10% इंटरेस्ट लिया, विच इज नॉट एन एक्स्ट्रावेगेंट और अनरीजनेबल अमाउंट, हेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड and Mr. Bhavesh can recover from Mr. Deepak all the expenses along with 10% interest.
What would have been the second case? अब देखो second case में what would be your answer if Bhavesh would have asked for 50% property instead of interest? यार अब अगर आप ये random amount मांग रहे हो ना 50% of the property then it is champerty. यहाँ पर आपने दीपक की मदद उसके दोस्त होने के नाते नहीं की, आपने उसमें से unduly earning करने के हिसाब से की है, which is champerty and hence is not acceptable in the eyes of law. Now it will be an agreement which is illegal in nature and hence it will be void and null. Correct? So champerty is an agreement in which a person agrees to assist another in litigation in exchange of promise to hand over a portion of the proceeds. The agreement for supplying funds by way of maintenance and champerty will be valid unless they are unreasonable or unjust or made with a malicious motive. Just like gambling on litigation, operation of other party. है ना, किसी और को अप्रेस करना, दबा के रखना, दबाव में रखना, या एनकरेजिंग अनराइटेड सूट विथ नॉट अ बोनाफाइड ऑब्जेक्ट, ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि चैम्पटी वॉइड, अदरवाइज चैम्पटी एंड मेंटेनेंस. समझ में आया कि आपको? तो पहला ये वैलिड होगा, यहाँ पे आप इसको रिकवर कर सकते हैं फाइल, लेकिन ये वॉइड हो जाएगा बिकॉज ये मैलिशियस मोटिव से आप कर रहे हो, अनड्यू एडवांटेज कमाने के लिए कर रहे हो और ये वॉइड हो जाएगा, तो यहां पर आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते. इजी? बेटा वो रीजनेबल होना चाहिए, 10% इज रीजनेबल. अगर वहां पे 30% 40% लिखा होता तो अगेन इट वुड हैव बीन अनरीजनेबल. आपको वो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा. ठीक है, पेपर में ऑफ कोर्स आइदर एकदम छोटा अमाउंट दे रहेगा या एकदम बड़ा, तो आपको एकदम ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा. जैसे यहाँ 50% ऑफ द प्रॉपर्टी, मेरे को पढ़ते से समझ में आया कि अनरीजनेबल है, तो आपको पढ़ते से समझ में आ जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट. क्या होता है बिडू, 150 लाइक हो रहे क्या हमारे? अगला सवाल आ भी गया है, 114 ही लाइक है. चलो फटाफट लाइक ठोको भाई, लाइक ठोको, ऐसे थोड़ी ना हो, इस बार ही माफ कर रहा हूँ. चलो अगला सवाल, अब ये वाला सवाल मुझे लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा शांति से सुन के राइट आंसर देना चाहिए, एक बार सोच लेना फिर आंसर देना, ठीक है? और मुझे प्रोविजन के साथ आंसर चाहिए, मुझे सिर्फ हाँ नहीं कॉमन सेंस बेस्ड आंसर नहीं चाहिए. मिस्टर ए ऑफर टू परचेज गोल्ड बार्स फ्रॉम मिस्टर बी एट मार्केट प्राइस ऑन 25th of December 2021. मिस्टर बी was aware about the upcoming rise in the gold prices at year end. Hence, he did not deliver the gold when ordered, but only sent the same on 2nd of January 2022. मैंने कब ऑर्डर करा था? 25 दिसंबर. आपने कब भेजा? 2 जनवरी. When the market price of the gold raised by 10%. What will be the validity of this contract? In case Mr. A accepts the gold on 2nd of January without saying a word, then can he later claim to pay the original price for the gold bars as on 25th of December 20? Amazing. Contract to settle difference between selling price and market price is void. Selling price and market price. नहीं, यहां पर क्या हो रहा है, यू आर परचेजिंग गोल्ड बार फ्रॉम मार्केट, दो सो लाइक कर दोगे, इन्विटेशन टू ऑफर, अच्छा आप ऑफर टू परचेज बोल रहे इसलिए क्या? नहीं बेटा, मार्केट में हो आप, मार्केट में आके मैं अगर आपको बोलता हूं, आपने गोल्ड की शॉप पे कभी गए हो तो आपको पता है गोल्ड में देयर इज नो नेगोशिएशन बिकॉज गोल्ड के रेट लिखे रहते हैं कि आज का गोल्ड का रेट ये है. वहां पे एक ऐसा स्क्रीन लगा रहता है जिसमें गोल्ड के रेट लिखे रहते हैं, सिल्वर के रेट लिखे रहते हैं, प्लैटिनम के रेट लिखे रहेंगे, डायमंड के, सबके रेट लिखे रहते हैं. वो चेंज होता है मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेस पे, तो देयर इज नो नेगोशिएशन एज टू रेट, रेट फिक्स रहते हैं उनके. हाँ, आप मेकिंग चार्जेस और बाकी सब चीजों में नेगोशिएट कर सकते हैं, गोल्ड के प्राइस पे नेगोशिएट नहीं होता.
इंटेंशंस गलत है बट दैट इज देर इज नो प्रोविजन एज सच. आप इलीगल बोल रहे हो क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं. आप लोग का जवाब सही तरफ जा रहा है लेकिन आपके लॉजिक नहीं आ रहे एज पर लॉ. आप सेक्शन नहीं पकड़ पाए हो इस क्वेश्चन में. मैंने आपको बोला था 2 मिनट रुको, प्रोविजन सोचो और फिर आंसर दो. लीगल है क्रिश बोल रहा है, लीगल है. अरे बेटा ऑफर टू परचेज यानी परचेज ही होता है ना भाई. मैंने ऑफर डाला टू परचेज और आपने एक्सेप्ट किया बट इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग ऑन 25th of December आप मेरे को 2 जनवरी तक खींच के ले गए ताकि क्या हो सके, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज ए अलाउज टू ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, अब लक्ष्मी ने कुछ तो पॉइंट बोला जो मेरे को ध्यान में आया. क्या आप लोगों ने इस प्रोविजन के बारे में सुना है? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट द टाइम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज इसेंशियल. मैं आपको बता रहा हूं इस क्लास में एक भी बच्चे ने मेरे को ये सेक्शन का रेफरेंस नहीं दिया और इस वजह से आपका आंसर भले सही है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. याद है शेयर मार्केट का, अगर मैंने आपको बोला है कि रिलायंस का शेयर परचेस करो तो आपको इमीडिएटली आज के अभी के मार्केट रेट पे उसको परचेस करना चाहिए. अगर आप 2 दिन बाद परचेस करोगे जब रिलायंस के शेयर का मार्केट रेट ऊपर या नीचे हो जाएगा, आई विल नॉट बी बाउंड टू एक्सेप्ट दैट. मैंने आपसे गोल्ड परचेस करने कब कहा? 25 दिसंबर को. 25 दिसंबर का जो रेट था उस रेट से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था. अब आप जानबूझकर, क्योंकि आपको मालूम था कि 10% से इंक्रीज होने वाला है, आप जानबूझकर 2 जनवरी तक उसको खींच कर ले गए. यू डिड नॉट परफॉर्म इट ऑन टाइम और इन बिटवीन द रेट इंक्रीज बाय 10%. दैट मीन्स इन दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया था कमर्शियल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वेन एवर यू आर ट्राइंग टू बाय और सेल गुड्स where the goods are such that there is a high fluctuation in the market, we will assume that time is of the essence. मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है अगर आपको याद आ रहा होगा तो. So in this contract we will assume that time is of the essence. ये एक भी बच्चे ने मुझे नहीं कहा कि time is of the essence. अब मेरे को एक बात बताओ, गोल्ड बार के रेट तो चेंज होता है, यानी हमने अज्यूम कर लिया टाइम इज ऑफ द एसेंस एंड यू हैव नॉट परफॉर्म्ड ऑन टाइम. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू डू सर्टेन थिंग्स एट और बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम एंड फेल्स टू डू एनी सच थिंग एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट एज हैज न�ट बीन परफॉर्म्ड बिकम्स voidable at the option of the promisee if the intention of the parties was that the time should be the essence of the contract. Aur maine bataya tha ki whenever you are trying to purchase sell the goods the market price of which is liable to be fluctuated, we will assume that time is of the essence. So in this case what will be the validity of contract? My answer will be the contract will be voidable at the option of Mr. A. Voidable at the option of Mr. A. Writing sections is not necessary. दोस्तों अगली बार क्लास में कोई पूछे तो प्लीज सभी लोग जवाब दे देना because I think by now everyone of you knows. Second question. In case Mr. A accepts the gold on 2nd of January without saying a word, can he later on claim to pay the original price of the golden bar on 25th of December? अब इसके लिए आपको एक और exception पढ़ना पड़ेगा. ये except ये section के exception पे है. मैं बताता हूं देखो. If in case of a voidable contract on account of promisor's failure to perform his promise on time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any time other than the agreed, highlight karna, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of the promise at the time agreed. Unless
at the time of acceptance, he gives notice to the promisor of his intention to do so. मैं आपको अपने लैंग्वेज में याद दिलाने की कोशिश करता हूं ताकि अगर आपने मेरी क्लास की है तो आपको याद आ जाए. आप लोगों को याद है मैंने शादी का एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरे घर पे शादी और मैं कुक को बुला रहा हूं तो उसने इवेंट के पहले आना चाहिए, इवेंट के बाद आएगा तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में भी वही हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट परफॉर्म्ड ऑन टाइम. इफ आई एम एक्सेप्टिंग एन आउट ऑफ टाइम परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन नॉट लेटर ऑन रेप्यूडेट द कॉन्ट्रैक्ट. I will not even be allowed to claim damages because अगर मुझे डैमेज भी क्लेम करना है तो मुझे पहले उसकी नोटिस देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्ट कि भाई मैं आपसे गोल्ड बार लेट एक्सेप्ट करूंगा लेकिन आई विल पे यू एट द रेट ऑफ 12th वट एवर अवर कॉन्ट्रैक्ट डेट वॉज 25th ऑफ डिसंबर. इफ यू एग्री देन लेट्स कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज लेट्स रिजेक्ट इट. अगर आप ये सेंटेंस बोल देते ना 2 जनवरी को, देन If the contract would have happened, आप 25 दिसंबर का रेट देते, balance would have been treated as damages. The difference between the rate today, 2nd January, and rate that day, 25th December. इसका जो difference था वो हम as a damage पकड़ लेते. लेकिन आपने चुपचाप gold accept कर लिया, you did not give notice of any damage, that means you accept the transaction and now you will have to pay the price on as on 2nd of January 2020. समझ में आया भाई लोग? कितने लोग यहाँ पे फ्लैट हो गए? किसी एक भी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया था क्या? 120 स्टूडेंट थे यहाँ पर, एक भी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया क्या? एक भी स्टूडेंट? मेरे को तो याद नहीं, मेरे को याद नहीं. क्या ये क्लीन बोल्ट हो सकता है? क्या ये टाइड क्वेश्चन था? ये टाइड क्वेश्चन था भाई, इसने क्लीन बोल्ड किया है, क्लीन बोल्ड पूरे 120 बच्चों को जो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के रिवाइज करके आए. क्या आपको नहीं लगता कि इस वीडियो पे अब 150 लाइक तो होने चाहिए? 140 के अराउंड हो गए. क्या आपको नहीं लगता कि 11 बच्चों ने दिल बढ़ा करके लाइक का बटन ठोक देना चाहिए? मम्मी पापा भैया भाभी दादा दादी छोटा भाई सबके. अच्छा ईजी था क्रिश शर्मा, तो फिर आंसर क्यों नहीं दिया तुमने? बोला गजब कॉन्फिडेंस है लड़के का, सभी रन आउट हो गए. आप लोगों के आंसर सही आ रहे थे, बट क्या होता है ना कि आंसर को जब तक आप प्रोविजन से सपोर्ट नहीं करते ना उसका वैल्यू नहीं. चल क्या आप लोग मुझे 150 लाइक दिखा रहे हो तो मैं आगे बढ़ू? जल्दी बोलो 150 लाइक दिखाओ ना. कैसे दिखते हैं? मैंने देखे नहीं है. अरे देखे है मैंने, कल ही तुम लोगों ने मेरे को दिखाया. तुम लोगों ने कल मेरी ना 146 कमान, 4 more likes guys, 4 more likes. जल्दी दो फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. 3 2 तुम लोगों ने आदत बिगाड़ी भाई मेरी, प्यार तुम दे रहे हो मैं सिर्फ प्यार ले रहा हूं. 148 टू मोर लाइक्स. लो ना उठाओ ना मम्मी पापा का फोन, कुछ नहीं होता, सो रहे तो धीरे से उठाओ. चोरी कैसे करते हो तुम घर में? वैसे चोरी करो ना. हाँ भाई को बोलो, मम्मी बोलना एक मिनट, मम्मी अन अकेडमी सी फाउंडेशन सर्च करो, आदत सर का क्लास चल रहा होगा, उसको जल्दी से लाइक कर दो. थैंक यू मम्मी, थैंक यू आंटी एंड एवरीवन हु हैज लाइक्ड. चलो अब चलते हैं, 155 हो गए तो अब मैं चल रहा हूं अगले सवाल. अब सुनो ध्यान से पढ़ना और प्लीज आंसर देना एकदम शांति से, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कैलकुलेटर लो, मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मेरे को एक गलत आंसर नहीं चाहिए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वर डूइंग बिजनेस सिंस लास्ट 15 ईयर्स. Following is the list of pending payment Mr. A and Mr. B. Following, ये क्या था? Following is the list of pending payment from Mr. A to Mr. from Mr. B to Mr. A. Invoice number, date, amount. Appropriate the payment in following cases. Number one, neither party appropriates. 80 lakh is paid. 30 lakh is paid. B informs to settle the latest bills first. 90 lakh paid, 40 lakh paid. चलो क्या जल्दी से आंसर दो यार, मेरे को टाइम पास मत करो. गुड मॉर्निंग ऋषिकेश, किधर आ गए बेटा ये? अरे ये भाई डर जाएगा तो ऋषिकेश भाई, ये अभी तुम्हारा बाकी है ये सब, मतलब ये अभी दिसंबर का बैच चल रहा है. राज भाई
I know this is appropriation of payment ka question. Yes, Sarangi, I know. I want answer. As per his own discretion. Lakshmi, you are wrong. Lakshmi, you are wrong. आप गलत सेक्शन में चले गए. 1, 2, and 3 आर पेड एंड फोर्थ बिल 10 lakh इज पेड, रेस्ट इज रिमेनिंग. अच्छा 80 lakhs नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट. तो 25 + 14 योर आंसर इज रॉन्ग. योर आंसर इज रॉन्ग. जिसने बोला ना तृप्ति जैन नहीं, मजे नहीं ले रहा रे. तुम लोग के अच्छे के लिए यार गर्वित है, ऐसे थोड़ी ना बेटा. अगर आप यहाँ मिस्टेक करते हो ना तो बिल्कुल शर्माओ मत, बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, यू विल नॉट मेक द मिस्टेक इन एग्जाम. अश्मित रॉन्ग सर. 19 lakh and 1 lakh बच जाएगा लास्ट वाले एक के एक नंबर में. नहीं समझ में आया. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. वेरी गुड राज पलाशी ने सही कहा है, बट अब वो कैलकुलेशन करना है बस. 80 का माइनस 25 माइनस 14 माइनस 31 माइनस 10 रॉन्ग आंसर. Wrong answer. Wrong answer, Ashmit. Overpaid. Overpaid कैसे क्या है? Total खर्चा कितना है? 25 + 14 + 31 + 29 अबे पागल हो गया. 1 crore का है, 80 lakh ही पे किया है, कुछ भी तुम लोग बोल रहे हो. ओके मेरे को एक भी करेक्ट आंसर नहीं दिखाया अभी तक. एक भी करेक्ट आंसर नहीं दिखाया. दिस इज जेन्युइनली वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड. इतना सिंपल क्वेश्चन और आप 31 और 10. गलत आंसर है क्रिश शर्मा, गलत आंसर है. चलो अब आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करो कि सर आप ही आंसर बता दो, हम लोग में से तो कोई भी नहीं कर पा रहे. रॉन्ग रॉन्ग कृतिका रॉन्ग. ओके ओके क्या आप सुनो. अच्छा ट्राई कर लो ठीक है क्रिश भाई. आई अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई करिए. एंड आई हैव फेथ इन यू क्रिश. आप अच्छे से ट्राई करो, आप दे सकते हो आंसर ठीक है. और मैं सभी बच्चों के लिए कह रहा हूं, आप बस 2 मिनट सुनो चैट में ना, कुछ भी लिखने से पहले सुनो. आपके सामने क्वेश्चन है, आपके ध्यान में प्रोविजन है, एक बार प्रोविजन याद करो और फिर सॉल्व करो ना, शायद आ जाए. मैं अभी इसका आंसर पूछ रहा हूं आपको ठीक है. एक मिनट, निसर्ग आपने क्या भेजा है. Yes, दिव्यांश, बट कैलकुलेशन नहीं हो रहा है. ओके आई थिंक दैट्स इनफ टाइम. हमारे पास और भी क्वेश्चन है, अभी तो बोनस क्वेश्चन बाकी है. शुड आई डू इट. यस दीप शर्मा समरिया, द कंसेप्ट इज करेक्ट. अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट गिविंग द करेक्ट आंसर. रॉन्ग प्रिंस सिन्हा, रॉन्ग.
That's it. मैंने आप लोगों को इनफ टाइम दे दिया, इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलेगा. आप लोगों ने अभी एक भी आंसर करेक्ट, पहला ही आंसर करेक्ट नहीं दिया तो अगला कब दोगे? ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं एक एक करके. सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं सर. यहां पर पहला पूछा है नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, मतलब ना ही प्रोमिसर, मतलब ना ही मिस्टर ए बता रहा है कहां पर पेमेंट एक्सेप्ट करना है, ना मिस्टर बी बता रहा है कि कहां पे पेमेंट एडजस्ट करना है. ठीक है, तो नीदर पार्टी व्हेन अप्रोप्रिएट्स द अप्रोप्रिएशन विल हैपन इन ऑर्डर ऑफ टाइम. इट विल हैपन इन ऑर्डर ऑफ time and when there are two or more debts of equal standing the amount will be appropriated proportionately. Now let's find out first case. ठीक है, हम लोगों को total 80 लाख रुपए मिला. अब आप लोग अपना पूरा मुंह बंद रखो और चुपचाप से सुनो मेरे को बिल्कुल. यहां पर अब कहीं जाकर देवांश ने शायद करेक्ट आंसर दिया, मैं चेक कर लेता हूं. ठीक है, 80 लाख मिला. सबसे पहले बताइए सबसे पहला ड्यू कौन सा है? 1 फरवरी का. एंड देर आर टू ट्रांजेक्शन ऑफ इक्वल स्टैंडिंग. द टोटल अमाउंट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन इज 25 लाख प्लस 14 लाख. क्या हम पूरा 39 लाख दे सकते हैं? हाँ यस, हमारे पास 80 लाख है तो 25 और 14 चले गए, 25 लाख और 14 लाख चले गए बराबर इन ऑर्डर ऑफ टाइम. अब मुझे बताओ आपके पास कितना बचा? सर 80 में से 25 और 14 गए, हमारे पास बचता है 80 में से 25 और 14 गए तो हमारे पास बचता है 41 लाख. ठीक है, अब अगला ऑर्डर ऑफ पेमेंट कौन आ रहा है? सर 5 फरवरी, लेकिन यहां पर भी दो इक्वल स्टैंडिंग है. और कितना अमाउंट है सर? 31 प्लस 29 कितना हो रहा है? वो ये कॉमा है बेटा, ये इसको फुल स्टॉप मत समझना है, कॉमा है. 29 लाख, तो टोटल 60 लाख हो रहा है सर. अच्छा 60 लाख हो रहा है. अब मुझे एक बात बताओ, 60 लाख हो रहा है ये राइट, और आपके पास पैसा कितना बचा है? सर 41 लाख. तो क्या आप इनको पूरा दे पाएंगे? नहीं, इनको आप पूरा नहीं दे पाएंगे. तो कैसे देंगे सर? प्रपोर्शनेट देंगे. तो कैसे प्रपोर्शन देंगे? आप एक काम करो, 41 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 31. एक काम करो सर, इसमें से 21.18 माइनस कर दो और इसमें से 19.82 माइनस कर दो. समझे आप? समझे क्या? देखो अब इसका टोटल 21.18 प्लस 19.82 इट विल बी एग्जैक्ट 41 प्लस ऊपर के 14 और 25, यानी कि आपने पूरा 80 लाख का एडजस्टमेंट कर लिया. मैं आपको लिख के बता देता हूं. ठीक है, तो आपने क्या किया, मैं वापस बता रहा हूं, 41 लाख मैं यहां पे लिख के बताता हूं, उसके बाद आप क्या कर रहे हो. ठीक है, 25 तारीख के लिए 41 लाख विच इज द बैलेंस डिवाइड बाय टोटल 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय पहला था 31, दूसरा था 29. यहां पर आएगा 31 लाख, फिर से करेंगे 41 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 29. इस तरह से आप प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट. ठीक है, तो 41 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 31 लाख आंसर इज 21,18,833. 21,18,333. ठीक है, एंड 29 लाख के साथ करो अगर तो आता है 19,81,66. ठीक है, तो अब ये 31 लाख में से 21,18,33 गए. ऐसे करो, 31 लाख का बैलेंस था उस बिल में से 21,18,333 गए. So 981667 will be still pending. ये pending बता देता हूँ, अभी भी जो बाकी रहेंगे ये तो सेटल हो गए, ये pending और ये 29 लाख में से 981667 गए. तो यहाँ पर 918333 pending रहेंगे. इसके अलावा जो नीचे का बिल है 1 लाख का, वो भी pending रहेगा.
है ना, वो 1 लाख का बिल भी पेंडिंग रहेगा. सो व्हाट विल बी टोटल पेंडिंग, 981667 प्लस 918333 प्लस 1 लाख. हाँ वापस 981 9816 प्लस 918333 प्लस, तो आपका 20 लाख का पेमेंट पेंडिंग रहेगा. अब वो क्रॉस चेक करते 20 लाख बराबर आंसर है क्या. तो आप देखो 1 करोड़ का टोटल ड्यू था, उसमें से 80 लाख पेमेंट हुआ है, तो बैलेंस कितना बचना चाहिए, 20 लाख. क्या हमारे पास 20 लाख बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब हमारा अप्रोप्रिएशन करेक्ट. समझ में आया क्या. अब रिद्धि बोल रही है सर आपने इसको पेमेंट को किया प्रपोर्शनेट, फिर इसको भी प्रपोर्शनेट दो. हाँ बेटा मैंने प्रपोर्शनेट ही दिया है. देखो टोटल इनका कितना आया, 25 प्लस 14. जब मैं आपको पूरा पेमेंट कर सकता हूं, वाई विल आई डू प्रपोर्शनेट. और आपको प्रपोर्शनेट ही मिला ना अगर पूरा भी मिल गया तो. अरे भाई इधर मैं प्रपोर्शनेट कर रहा हूं बिकॉज आई कांट पे यू एंटायर. मेरे पास 41 लाख ही बच रहा है. अगर मेरे पास 60 लाख होता तो मैं आपको भी पूरा देता ना. वो तो मेरे पास 41 लाख बचा और आप लोग को 60 लाख चाहिए था, इसलिए मैंने आप दोनों को प्रपोर्शनेटली बांटा ताकि आप दोनों मेरे से झगड़ने ना. अब ऊपर वाले केस में ये तो दोनों ले सकते हैं पैसा, है ना, 25 और 39 लाख तो चाहिए इनको, और मेरे को देना, मेरे पास देने के लिए 80 लाख है. तो वाई विल आई डिस्ट्रीब्यूट लेस, मैं आपको पूरा दे दूंगा. इन ऑर्डर ऑफ टाइम जा रहे हैं ना, तो ओल्डेस्ट को पहले सेटल करते जाएंगे. जब तक सेटल हो सकता है सेटल करो, जिस दिन सेटल नहीं हो सकता है ना और इक्वल स्टैंडिंग आ रही है तो प्रपोर्शनेटली बांट दो. होमवर्क में बना के लिए भी दिया था. यस करेक्ट है चंचल भाई, ये लोग सुनते नहीं ना भाई मेरा, क्या बोलूं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब खुद से करो, जल्दी आंसर दो. 30 लाख मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोगों ने मेरा बहुत टाइम ले लिया. 30 लाख करो बड़ा, इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे लक्ष्मी, इससे इजी आएंगे, लेकिन आएंगे. अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन आते, चलो फटाफट करो. और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, ये बहुत इजी है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन. ये कुछ भी भारी नहीं है क्रिश भाई, इसमें कुछ भी भारी नहीं है, ये तुम कर सकते हो. तुम्हारा बस आज तुम ऐसे हो गए थे ना सब बच्चे की मेरे को जल्दी आंसर देना है उस चक्कर में, वरना मेरे को लगता है तुम लोग ये कर सकते हो. बताओ भाई 30 लाख टोटल 1 करोड़ है, 30 लाख का पेमेंट हुआ है, नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट, हाउ विल यू सेटल द पेमेंट. तृप्ति जैन बहुत अच्छे. अब टेलर और तृप्ति जैन का आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है, भगवान इसमें भी बच्चे गलत करेंगे क्या. चलो मैं ही कैलकुलेट करता हूं, फिर मेरे को पता चलेगा राइट आंसर क्या है. हाँ तो बैड बनी का आंसर सही था, टेलर का आंसर सही था, और पंकज गलत, राज करेक्ट, दीप करेक्ट, अश्मित करेक्ट, अर्पित करेक्ट, टेलर करेक्ट. पहले आपने डिलीट क्यों किया बेटा, दूसरों के कॉन्फिडेंस को देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने का टेलर भाई. ऋषिकेश करेक्ट, मोही करेक्ट, पंकज रॉन्ग, कृतिका करेक्ट, चंचल भाई करेक्ट, दिव्यांश करेक्ट, बैड बनी रॉन्ग. आई थिंक यू गाइज हैव गॉट इट नाउ. ठीक है तो 30 लाख्स है और यहां पर दोनों का इक्वल स्टैंडिंग है, तो मैं दोनों को पूरा पे कर सकता हूं क्या. नहीं सर, दोनों को आप पूरा पे करने के लिए आपको 39 लाख्स चाहिए और आपके पास केवल 30 लाख्स है. तो अगर मैं इन दोनों को पूरा नहीं दे सकता तो मैं इनको प्रपोर्शनेटली दे दूंगा. तो करो फिर 30 लाख्स डिवाइडेड बाय 39 into 25, 30 लाख्स डिवाइडेड बाय 39 into 14. देखो आप आंसर क्या आता है, तो 30 divided by 39 into 25 आंसर आता है 19.23 और इधर आता है आंसर 10.7. तो ये हमारा करेक्ट आंसर.
चल वेरी गुड चंचल ब्रो, आगे आंसर सभी को, आई थिंक अब ये मिस्टेक नहीं करेंगे हम लोग। चल अगला क्वेश्चन, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, मैं ये सब मिटा रहा हूं, ध्यान देना। मिस्टर बी इन्फॉर्म्स टू सेटल द लेटेस्ट बिल फर्स्ट, अब कैसे सेटलमेंट होगा, अब कैसे सेटलमेंट होगा, लेटेस्ट बिल पहला सेटल करना है, 90 लाख का पेमेंट है। चलो When the promisee expresses or notifies or directs the appropriation, appropriation should happen as per his wish. Correct? एक section है इसके लिए। अब आपको अच्छा ठीक है then it's okay, हाँ तो बताओ ना, करके बताओ ना फिर कैसे सेटल होगा, कौन सा अब इसमें से क्या, कौन सा इनवॉइस काटेंगे बताओ ना, बताओ, शर्मा क्यों रहे हो, बताओ यार, आंसर दो ना यार फटाफट, चार लोग कैलकुलेट कर रहे हो, करो थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिल सेटल हो जाएंगे, फर्स्ट बिल में एंड सेकेंड बिल में रुपए पे होगा। राज का आंसर करेक्ट है क्या, देखो कंसेप्ट मेरे को सही लगी उसकी, बट मैं उसका अमाउंट भी चेक कर लेता हूँ, राज में अमाउंट चेक करता हूँ, आपने जो लिख लिया तो 61 तो इधर ही चले गए 90 में से, 29 बचे, 29 डिवाइड बाय 39 इंटू 25 आपका, हाँ आपका आंसर करेक्ट, रात का आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है। सबसे पहले 18 वाला होगा प्रियांश, फिर 5 वाला होगा, ठीक है। तो लेटेस्ट बिल करना है तो पहले 1 लाख सेटल कर देते हैं, फिर ये 29 लाख सेटल कर देते, 30 लाख खत्म हो गए, अभी अपने पास और कितने बचे हैं, 60 लाख और बचे हैं, ये 31 लाख भी दे देते हैं, अब कितने बचे सर, अब आपके पास 29 लाख बचे, क्या मैं इन दोनों को दे सकता हूँ सर, आप इन दोनों को नहीं दे सकते, आप इन दोनों को दे सकते थे, सेम डेट थे, इन दोनों को दे सकते बट इन दोनों को आप नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे अब आप, प्रोपोर्शनेटली देंगे राइट, प्रोपोर्शनेटली देंगे, दोनों का इक्वल स्टैंडिंग है, करो प्रोपोर्शनेट, तो आप देखेंगे 29 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 14 और 29 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 20 और ये आपके आंसर रहेंगे 18.8 10.41 इस तरह से यह आंसर। अब आया ठीक है, 40 लाख का करो फटाफट, 40 लाख का करो नेक्स्ट, 40 लाख का करो, 40 लाख, हाँ बेटा कैलकुलेशन दिखाने हैं, तो 40 लाख में सबसे पहले ये चला जाएगा, बचा 39 लाख, क्या आप 39 लाख में दोनों अमाउंट दे सकते हो सर, नहीं दे सकते, तो 39 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 31 18.5 देखो बराबर है क्या, और यहां पे बन इस तरह से सेटलमेंट होगा, इस तरह से 40 लाख का सेटलमेंट, अब आपको आ गया सभी लोगों को, ठीक है, आई होप कि अब आप इसको गलती ना करो, अगर आपको अभी भी नहीं आया है तो मेरे क्लासेस जाके आप देख सकते हो, मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस करवाई है, आप एक बार उसको देख सकते हो, ये दो सेक्शंस यहाँ पर लगते हैं, नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स ऑर्डर ऑफ टाइम एंड वेयर डेट इज डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड देन अकॉर्डिंगली, ठीक है।
ठीक है, अब चलते हैं आगे, मजा आया। तो मुझे पर्सनली क्या लगता है, अगर इतना खतरनाक क्वेश्चन आदर्श सर पूछ रहे हैं, और अगर आदर्श सर आपको बोल रहे हैं कि बेटा मुझे लगता है कि यहाँ पे 200 लाइक होने चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आदर्श सर कुछ ज्यादा मांग रहे हैं। सच्ची सोचो, जो क्वेश्चन अभी आपने किया, क्या आप और 10 लाइक लाके यहाँ पर 200 नहीं कर सकते? 10 लाइक, आप सोचो, आप अपने मम्मी पापा भैया भाभी भाई बहन दोस्त किसी ग्रुप में शेयर कर दिया, कहीं कुछ डाल दिया, 10 लाइक आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। अभी अगला क्वेश्चन जो आएगा खतरनाक क्वेश्चन आएगा, अगर आप 10 लाइक ले आओगे तो। सच्ची बता, सिर्फ 10 लाइक चाहिए मेरे को तुमसे अभी इस वक्त, लाओगे क्या? देखो यार, क्वेश्चन तो मैं अच्छे लाया हूं, है ना, प्लीज ले आओ ना 10 लाइक, लाओ ना प्लीज आप। यस, दूसरों का इंतजार मत करो, कोई नहीं आएगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा, ये करो ना जल्दी से। चलो आप लोग कर रहे हो तब तक मैं आपको कुछ अमेजिंग क्वेश्चन दिखाता हूं। सुनो ना, 191 लाइक हो गए, उठो ना भाई, उठो ना। क्या लगता है, क्लास खत्म, घर जाना है? ए बॉय, क्या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो अपने वाले क्वेश्चन आने बाकी है। 197 हो गए, 3 लाइक ले आओ, 1 नंबर क्वेश्चन दिखाऊंगा, सच में मजा आ जाएगा, दिल तुम्हारा खुश हो जाएगा। सिर्फ 3 लाइक ले आओ, 3 लाइक, ज्यादा नहीं मांग रहा मैं, कल तुमने 316 दिए थे, आज मैं 200 पे खुश हूं। राज की शक, अरे कैसे, क्या बेइज्जती कर रहे दोस्त की अपने, ऐसे करते क्या कोई। चलो तो दोस्तों 201 लाइक हो गए, चलो अब मैं शुरू करता हूं आज का अपना बोनस क्वेश्चन। शांति से एकदम सोच के पढ़ो और आंसर दो। ऑल द बेस्ट। पंडित रामकृष्ण एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर जैश टू परचेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी for the construction of a temple. This contract was made possible only because of Mr. Keshav, who introduced the parties and made all the legal arrangements. While finalizing the consideration for the land, Mr. Jayesh agreed to take only 80% amount as consideration and balance 20% was agreed as a charity done for the temple. Later, Mr. Jayesh got a better deal for the same land and refused to sell the land to Pandit Ramakrishna at the said price. Pandit Ramakrishna did not take any legal help, but Mr. Keshav filed a complaint against Mr. Jayesh to force him to sell the land as agreed. Analyze the above in the context of Indian Contract Act 1872 and determine whether the contract between Pandit Ramakrishna and Mr. Jayesh was valid considering only 80% consideration, and whether the case filed by Mr. Keshav will be accepted by the court. Khatarnak. Let it sink in. बताओ भाई, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, पहला सवाल। ओके, तो रोजन दाकल कह रहा है दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ओके, व्हाट अबाउट केशव फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर जयेश? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, तो क्या केशव केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते, चेंज टू द कॉन्ट्रैक्ट, हेंस वॉइड। ओके, वेरी गुड, सबसे पहली बात आपने सही करी, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ठीक है, ठीक है, अगर शॉकिंगली लेस कंसिडरेशन होता
तो हम समझ जाते, लेकिन यहाँ पे 80% कंसिडरेशन मिला और 20% हमको बताया गया है कि चैरिटी है, एंड चैरिटी इज एन अलाउड, लाइक योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चैरिटी इज अलाउड इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो वैलिडिटी पे तो कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहूँ, तो ओनली अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू अपॉन इट, ठीक है। तो द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी अलाउड टू सू अपॉन इट बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो नो मैटर हाउ यू फील, मिस्टर केशव इज नॉट अन ऑथोराइज पर्सन टू फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ पंडित रामकृष्ण। अगर पंडित रामकृष्ण केशव को अपॉइंट करते एज एन एजेंट टू फाइल अ केस, देन इट वुड हैव बीन पॉसिबल। बट पंडित रामकृष्ण ने कोई केस फाइल नहीं किया, कोई लीगल एक्शन नहीं ली, ये अपने आप से मिस्टर केशव हैज फाइल्ड द एक्शन विच इज आउटसाइड द पर्यू। समझ में आया? इजी क्वेश्चन, यस। क्या लगता है क्लास एंड? एक फाइनल क्वेश्चन, अब तुम लोगों ने 200 प्लस लाइक दिया है तो मेरे को एक फाइनल क्वेश्चन बनता है, ये फाइनल क्वेश्चन है, फिर हम घर जा रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करो। मेसर्स एबीसी एंड एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज इन द फील्ड ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज। द फर्म वॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबली फॉर 10 years, हाउएवर ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस। Therefore, all of them jointly decided to dissolve the firm. You are required to settle the accounts of the firm based on the below mentioned. Total asset 1 crore 50 lakh, outside liability 85 lakh, capital 30 lakh, interest on capital due to Mr. A 2 lakhs, PSR 3:2:1, partners A, B and C. Calculate the amount to be paid or received from the partners. And would your answer change if outside liability was 1 crore? आप लोगों ने इसका थियरी किया है, आप लोगों ने प्रैक्टिकली सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के क्वेश्चन नहीं किए। आज आप मुझे बताएंगे कि कैसे अकाउंट सेटल होता है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले लाइबिलिटी सेटल करेंगे, सबसे पहले आप टोटल एसेट बेचेंगे, ठीक है, और लाइबिलिटी सेटल करेंगे, उसके बाद आप कैपिटल का पैसा दे देंगे, एनीथिंग ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल दे देंगे, और बैलेंस बचता है तो 3:2:1 में बांट देंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं, 1 crore 50 lakhs, ठीक है, माइनस 85 लाख, लो अपने कैलकुलेटर पे 85 लाख माइनस किया, 65 लाख बचा। एक काम करो, कैपिटल दे दो 30 लाख का, अब कितना बचा 35 लाख। एक काम करो, 2 लाख का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी दे दो, कितना बचा 33 लाख बचा। क्या है, डिवाइड बाय 6 × 3, 16,50,000 ए को मिलेगा, बराबर 11 लाख बी को मिलेगा, और 5,50,000 सी को मिलेगा। देखो ये आ रहा है कि आप लोगों का, अंजना बेटा प्लीज कीप ऑन ट्राइंग, डोंट बी स्ट्रेस्ड, सभी के साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं है, सभी के साथ हो रहा है, लॉ का पंगा ही है, राइटिंग इज टफ, बट व्हेन Things get tough, tough gets going. तो आपको भी tough बनना पड़ेगा और चीजों को solve करना। चलिए, would your answer change if outside liabilities 1 crore 40 lakh? चलो फिर से ले लेते हैं कैलकुलेटर पे। लो अपने अपने कैलकुलेटर पे 150 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है 140 लाख, तो हमारे पास क्या बचा 10 लाख। क्या हम कैपिटल दे सकते हैं? नहीं। अब क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट प्रपोर्शनेटली बांटेंगे। Let's assume that the capital due, is in the ratio of 3:2:1. तो आप इसको 3:2:1 में बांट दें, उतना कैपिटल पे करेंगे, बाकी हम लोग पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल एंड लास्टली इफ नेसेसरी आउट ऑफ द शेयर ऑफ आउट ऑफ द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट. फिर हम सारी असेट्स को बेचेंगे इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी पार्टनर से लेके आएंगे टोटल पैसा जमा करेंगे फिर आउटसाइड डेट पे करेंगे कैपिटल अकाउंट माइनस करेंगे एनीथिंग ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल माइनस करेंगे और बचा कुचा पीएसआर में बांट देंगे. ये हमने अभी प्रैक्टिकली किया. आगे लिखना है उसके बाद ही सॉल्व करना है यही तो मेन सेक्शन है बेटा. शब्द कह रहे हैं सर आप आईसीआई के पेपर सेट मत करना. भाई मैं इससे भी बहुत गंदे खतरनाक क्वेश्चन बना सकता हूँ. वो तो दया आ जाती है इसलिए इतने गंदे क्वेश्चन नहीं बनाता मैं. कोई बात नहीं बेटा देखो डिसमूड मत हो. आप लोगों ने इस क्लास का नाम तो पढ़ा ही होगा. क्लास का नाम है आग राइटिंग प्रैक्टिस. मतलब नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर. एक नेक्स्ट लेवल का थिंकिंग प्रोसेस क्रिएट होता है ऐसे वीडियोज देखने पर. अगर आप ऐसे वीडियोस देखते हो आपका दिमाग ज़्यादा स्पीड में दौड़ने लगता है. आप कंसेप्ट को ज़्यादा बारीकी से पढ़ने लगते हो और आप चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लेने लगते हो. हमने नोटिस किया है लॉ को लेकर एग्जाम के पहले बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और यही कारण है कि वो मार्क्स अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते. बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते प्रोविजंस नहीं समझ पाते कई दफ़ा लॉ अप्लाई नहीं कर पाते. इस तरह के जब आप सेशंस देखते हो ये आपको हिला के रख देते हैं कि भाई मेरा नॉलेज कुछ नहीं है मुझे अभी और मेहनत करना है. और इस क्लास को पॉजिटिवली लो मेहनत करो और आगे बढ़ो. दोस्तों कल मेरा बर्थडे है तो मैं क्लास नहीं लूंगा यार. मैं पहले बता रहा हूँ क्लास नहीं लूंगा प्लीज. तो इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स इन 2 डेज. मेरा बर्थडे है कल तो मुझे कल तक ये गिफ्ट चाहिए. 500 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाने चाहिए. अगर आप लोगों में से अभी तक हमने कल 300 कुछ तो लाइक किए थे आज हमने सिर्फ 215 लाइक किए. तो आप प्लीज अपने दोस्तों में व्हाट्सएप में टेलीग्राम में इंस्टाग्राम पे इन क्लासेस को शेयर करो. मैं देखता हूँ आप लोग को जो क्लासेस पसंद आती है आप शेयर करते हो तो आप इस क्लास को शेयर क्यों नहीं कर रहे. आपको जो क्लासेस पसंद आती है आप उनको लाइक करते हो कमेंट करते हो आप इस क्लास को क्यों नहीं कर रहे. मैंने कमेंट देखे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. देर आर 30 कमेंट्स. मेरा हर कमेंट पे लाइक मारा हुआ है. ये अभी कुछ नया आया होगा. देखो 6 आवर्स पहले तो मैंने नहीं मारा. प्राउड टू बी योर स्टूडेंट लकी टू हैव यू. देखो मृत्युंजय का यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट हर कमेंट पे लाइक मारा है. देखो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीचर. मेरा सवाल क्या है कि ये आपको पता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप ये चीज अगर आप दूसरों को नहीं बताएंगे अगर आप शेयर नहीं करेंगे कमेंट नहीं करेंगे आप मेरे को सोचो ना कितना अच्छा लगता है यार. ऐसे कमेंट पढ़ने पे कितना अच्छा लगता है कि यार इतने सारे बच्चे आपसे प्यार करते हैं आपका कंटेंट लाइक कर रहे हैं. कितना अच्छा लगता है ये जानकर कि एक ही दिन के अंदर ये कोहराम मचा है कि ऑलमोस्ट 600 लाइक हो रहे हैं यार. इट इज नॉट अ जोक कि हम 600 लाइक पे पहुंच गए. 595 लाइक्स. अभी 5 लाइक को इसको ले आकर दे दे 600 हो जाए यार ये. तो मेरा क्या बोलना है अगर कल के वीडियो पे आज तक 600 हो सकता है तो आज की वीडियो ने तो 600 क्रॉस करना चाहिए कल तक. बोलो हाँ या ना. और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको फालतू वीडियो दिखा रहा हूं. एक एक मिनट इस वीडियो का आपको कुछ सिखा के जा रहा है. आज के सेशन में 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जहां पे आप पूरी तरह ब्लैंक बैठे थे कि सर आप ही बता दो क्या करना है हम तो पूरा पढ़ के भी नहीं समझ रहा. तो यार ऐसे क्वेश्चन बनाने में ऐसी क्लासेस बनाने में थोड़े एफर्ट्स अच्छे खासे एफर्ट्स लगते हैं. I would really, really be happy if you can share me and my classes on social media. It will really mean a lot to me. आपका एक word of praise can go a long way for me and my class. So please keep sharing me and my work among juniors. Thank you so much for watching this video, guys. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Comment down below. I am going to read each and every comment. लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस के लिए आप लोग प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉनिक में पर्सनलाइज गाइडेंस स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस बहुत सारे ऑप्शंस है प्लस और आइकॉनिक के और हर जगह सीए आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड सीए आदर्श. डोंट फॉरगेट टू यूज द हैशटैग सीए वॉली टीम. थैंक यू सो वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. ए डी ए आर सीए आदर्श.
इस वीडियो का दो दिन के अंदर 600 लाइक होना चाहिए, एक वीक के अंदर 1000 लाइक्स होने ही चाहिए। इस वीडियो को, इन दो वीडियोस को अगर आप शेयर नहीं करते, मतलब आप केयर नहीं करते। चॉइस इज योर्स। आई एम योर हम्बल फ्रेंड की आदर्श जोशी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे कूल, स्टे काम। कल मिलते हैं बर्थडे के दिन, कहीं ना कहीं मिल लेंगे।